क्रिकेट के आलमी जंग के आगाज में बस कुछ पल का इंतजार। सफे अव्वल की 10 टीमें भारत के 10 शहरों में पंजा आजमाई के लिए तैयार। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 1:30 बजे आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान जुमेरात को अपना पहला मैच हॉलैंड के साथ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल्ड। भारत के शहर अहमदाबाद में कैप्टन्स डे की मुनासबत से तकरीब। वर्ल्ड कप की तमाम 10 टीमों के कप्तान शरीक। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टुम्बा बोआमा अहम तकरीब के दौरान सो गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। स्पेशलिटी हैदराबादी बिरयानी और आई थिंक बिरयानी कहाँ की ज्यादा अच्छी। वर्ल्ड कप से पहले कराची और हैदराबाद दक्कन की बिरयानी का मैच पड़ गया। कौमी खिलाड़ियों ने हैदराबाद दक्कन की बिरयानी को ज्यादा नंबर दे दिए। बोले, यहाँ की बिरयानी ज्यादा मसालेदार होती है। मेगा इवेंट में नापस इंतजामात, भारत की नाहली का सबूत। क्रिकेट के आलमी मेले की इफ्तिताही तकरीब तकनीकी खराबी के बायस मनसूख। वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान दहशतगर्दी का भी खतरा। अहमदाबाद में मैचेस के दौरान ग्राउंड को निशाना बनाने की धमकियों पर 3,000 से ज्यादा अहलकार तैनात। पाकिस्तान के अफगान महाजरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अफगान महाजरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के खिलाफ नहीं बल्कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। गैर कानूनी तारीख वतन को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 26 दिन बाकी। कराची से खैबर तक पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की ताबड़ तोड़ कार्रवाइयां जारी। दस्तावेजात की जांच पड़ताल, पकड़े जाने वाले अफराद थानों में बंद। इस्लामाबाद में 1126 अफराद से पूछगछ, 503 के पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले खुदकुश हमलों में 75% हमला आवर अफगान शहरी थे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का न्यूज़वन से गुफ्तगू में इंकशाफ, कहा, पेशावर पुलिस लाइन हंगू मस्जिद खुदकुश हमला भी अफगान दहशत गर्दों ने ही किया। बाजवोड अली मस्जिद पर हमला भी अफगान खुदकुश बम्बारों ने किया था। भत्ताखोरी में मुलविस मकामी और अफगान शिद्दत पसंद गिरफ्तार हुए हैं। में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में रियासती इदारों पे हमलावर होना है और उसके बाद क्या कहते हैं ये जिस तसलसल की मैं बात कर रहा हूँ टकराव की और वर्कर्स की जैसे जहन साजी की मैंने आपसे बात की है तो ये एक वो पूरा तसलसल। उस्मान डार का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान, कहाँ, 9 मई की मनसूबाबंदी। चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत जमान पार्क में हुई। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत की गई। हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानियों को फरोग दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी, इंतखाबी हिकमत अमली और नए बयानी की तैयारियां। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नवाज शरीफ से लंदन में 4 घंटे तवील मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मजाहमती सियासत के बजाय अफाम व तफीम का रास्ता अपनाएंगे। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर तकरीर में इक्तिसादी बहरान से निकलने और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने का एजेंडा पेश करेंगे। जमात इस्लामी को इख्तदार मिला तो मंतखब नुमाइंदों और सरकारी अफसरों से लग्जरी गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी। मुफ्त पेट्रोल बंद कर दिया जाएगा। जमात इस्लामी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराहत पर नजरसानी का वादा।
खवातीन को इस्लामी हदूद में तालीम और तरक्की के तमाम मौके फराहम किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारों के दबाव से आजाद गैर सूदी मजबूत मईशत कायम की जाएगी। इंसाफ, अमन, रोजगार, तालीम, इलाज और घर सबका हक होगा। डॉलर मजीद सस्ता, रुपया मजीद तगड़ा। इंटर बैंक में डॉलर एक रुपया सस्ता होकर 283.68 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 150 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,200 की सतह पर पहुंच गया। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में 5.5% से जायद की कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $85.81 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत कम होकर $84.22 फी बैरल पर आ गई। खाम तेल की कीमत में कमी आलमी मईशत की सुस्त और कम तलब के खदशात के सबब है। ओपेक ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में मजीद कमी न किए जाने का इम्कान। माहिरीन का कहना है आलमी मंडी में कमी का रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान में भी तेल की फी लीटर कीमत कम हो सकती है। कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में जायद कीमत पर दूध फरोख करने वाली दो दुकानें सील। तर्जमान के मुताबिक कमिश्नर सलीम राजपूत ने खुद दुकानों पर कीमतों का जायजा लिया और 230 रुपए फी किलो दूध खरीदा। कमिश्नर की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को जायद कीमत पर दूध फरोख करने वालों के खिलाफ कार्रवाईयों की हिदायत। आवाम से भी 200 रुपए से जायद कीमत पर दूध फरोख करने वालों के खिलाफ शिकायत करने की अपील।